नमस्कार, मेरी कहानी मेरी जुबानी। इस कार्यक्रम में अगली कड़ी में इस समय हमारे साथ हैं श्रीमती इस्मिता आर गावावाला जी, जो कि शाखा मड़वाड़ी में कार्यरत हैं। इस्मिता जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि LIC आपने कब ज्वाइन किया? मैंने जून 2000 को ज्वाइन किया था। तो कैसे, मतलब क्या हुआ उसमें? किसी विकास अधिकारी ने आपको अप्रोच किया या खुद आप कहीं कैसे किया? नहीं, महेंद्रू जी उस समय हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने एक पहले दिन हम लोगों से काफ़ी अच्छी तरह बातें की। फिर हम लोग कुछ लोगों को दूसरे दिन के लिए बोला, तो फिर वो दूसरे दिन हमारे यहाँ आए, तो उनकी बात हमको कुछ मेरे हस्बैंड को और मेरे को दोनों को समझ में आई। तो फिर हमने दोनों ने ये सोचा कि ये जो लड़का है ये हम लोगों से 10 साल छोटा है, तो जरूर ये हमारे मतलब LIC के लिए दौड़ भाग है या कुछ अच्छी नई चीज़ें उनको टेक्नोलॉजी में बताएगा, तो हम अच्छी तरह LIC कर पाएंगे। तो फिर मैंने हम लोगों ने उसको डन कर दिया। और वैसे महेंद्र जी अभी भी जवान है। नहीं भाई, ये चीज़ जानना चाहेंगे कि जैसे आज आपकी जो भी सामाजिक स्थिति है, पारिवारिक स्थिति है, एक समाज में स्थान है, जो सम्मान आपका LIC में, कैसा महसूस होता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमने जैसे 1 और 1 11 होते हैं ना, वैसे हम दोनों ने 2-2 मिलके 22 साल से मेहनत हम कर रहे हैं, 22 साल। तो उसमें हम लोगों को बहुत मुझे अच्छा लगा। और कुछ मुझे देख लो, मेरे जो हस्बैंड है ना, वो बहुत ही मतलब कोई भी कार्य करते हैं ना तो बोला उसको समझते हैं पहले, तो हम लोगों ने दोनों ने समझ के LIC में हमने पहले कदम रखा। और वो बहुत ही इंटेलिजेंट भी है और समझदार हैं, साथ में उन्होंने मुझे सहयोग के लिए रखा और हम दोनों एक से कदम मिला के आगे चलते गए। और निश्चित तौर पे ये आप लोग की मेहनत का ही फल है, परिणाम है। और सही बात है, जब तक किसी भी व्यवसाय में हम अपना 100% नहीं देते तब तक उसमें हम सफल नहीं हो सकते, उसमें मेरा नाम इस प्रकार से नहीं हो सकता। और COT होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और चलते चलते हम एक चीज़ ये चाहेंगे कि एक बेहतर संदेश, जो भी हमारे साथी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं, गैलेक्सी हैं, COT हैं, TOT हैं, और आपके सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे कई साथी ऐसे हैं जो कि प्रोस्पेक्टिव MBRT हैं, जिनका ख्वाब MBRT करना, इनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी उन लोगों को कि वो हीरे हैं, खाली तराशना उनको ज़रूरी है। और वो हमारे पास, हमारे जितने भी LIC के, हमारे महेंद्रू जी की तरह और भी बहुत लोग हैं, वो उनको तराश सकते हैं और तराशेंगे उसको। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग बहुत मेहनत करिए लगन से, और इसमें केवल प्रभु का साथ और अपनी मेहनत दोनों अगर मिल जाता है तो बहुत रंग लाता है। और मैं ये भी चाहती हूँ आप लोगों के सबको बोलना, ये चाहती हूँ कि आप लोग बहुत आगे आएंगे और आप मेहनत करते रहिए। और पहला जो भी नया आपके पास प्रोजेक्ट है या आपके पास कोई नया LIC का वो कुछ भी आता है जैसे करने के लिए, तो पहले अपने परिवार के लिए आप करिए, बाद में दूसरों को करिए। क्योंकि परिवार का आप करेंगे ना तो आपको भी अच्छा लगेगा और करना भी चाहिए। बहुत अच्छी बात ये आपने बताई। और हमें लगता है कि जो भी हमारे साथी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आज यहाँ पे सभागार में बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पर आपके इस शुभ संदेश से वो निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। इसी के साथ हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से, यहाँ के प्रबंधन की तरफ से आपको देते हैं कि दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करिए, वृद्धि करिए और उन ऊंचाइयों पर जाइए जो कि लोगों को एक उदाहरण लगे। धन्यवाद।